दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और इस समय बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का समय है और बच्चे बड़ी मुश्किल से आए हैं और हम उनसे भी आपको मिलाते हैं। उनसे पूछेंगे कि जब बारिश के मौसम में वो क्या करते हैं घर में खाली समय में बैठ के। तो चलिए बात करिए, हमारी फैमिली के लोग चाचा चाची मम्मी सब यहाँ पे बैठे हैं और चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारे बच्चे लोग, बच्चों कैसे हो आप लोग? तो मैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर और मैंने आपको दिखाया है कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी बच्चों में पढ़ने का जुनून इतना है। देखिए ऑलमोस्ट काफ़ी सारे 90% बच्चे आ चुके हैं और लगभग सभी बच्चे आए हैं एक दो को छोड़ के। और उन सबसे पूछेंगे कि जब वो खाली समय बारिश में, बारिश के मौसम में जब वो घर पर रहते हैं तो क्या करते हैं, कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे कि मान लो अचानक छुट्टी हो गई हो घर के, आज का सुबह सुबह तैयार हो गए और पता चला कि आज तो बारिश हो रही है, आज नहीं जाएंगे, तो उस समय कितना एंटरटेनमेंट रहता है, कितना खुश होते हैं बच्चे। तो सब चीज़ें हम पूछेंगे कि जब बारिश वाले दिन जब स्कूल नहीं जाते हैं तो वो कैसे टाइम स्पेंड करते हैं घर वालों के साथ या फ्रेंड के साथ। मेरा नाम सक्षम हलदार है। मेरा नाम नैना महलदार है। आप अपना नाम बताइए। रियांश। हैं? रियांश गायन। रियांश गायन। आप अपना नाम बताइए। हर्ष महलदार। हर्ष मेहरदा। देवांश विश्वास। बताइए। प्रतीक बसु। तो ये सारे बच्चे हैं और मैं पूछूंगा एक करके कि कैसे टाइम स्पेंड करते हैं जब वो आपको पता चलता है कि अचानक से आज छुट्टी है, तैयार वेयर हो गए और कभी कभी तो घर स्कूल पहुंचते ही कई बार भगा देते हैं घर स्कूल से कि बच्चों जाओ आज, और कितना मजा आता होगा। और कई बार स्कूल से पता चलता है, खैर आजकल तो मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि आप लोग की छुट्टी है, तो कैसा फील होता है जब अचानक पता चले कि आज छुट्टी है बारिश की वजह से? तो दिल ऐसा लगता है पूरा गार्डन गार्डन हो रहा है, और जैसे ही पता चलता है कि छुट्टी है डायरेक्ट घर जाके पहले तो टीवी देखना। आहा, वाह वाह वाह, अलग ही मजा है। फिर अगर थोड़ा बारिश कम हो जाए तो दोस्तों के पास जाके कुछ पार्टी प्लान करना। वेरी गुड। पार्टी करके पूरा ओ मजे। पार्टी किस टाइप का? कहीं आप कोई खाने पीने का मतलब कोई दारू पार्टी वार्टी तो नहीं करते हो ना? नहीं, हम दारू वार्टी नहीं, मोमो पार्टी करते हैं। बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप बहुत समय से बोलने के लिए उतावले हो रहे हो मिस्टर देवांश, बताइए कुछ अपने, पकड़िए फोन को और बताइए। जैसे जिस टाइम समझो स्कूल का मैसेज आता है छुट्टी, इतना मजा आता है कि मतलब क्या बोलूं आप लोगों को। और उस टाइम सुबह सुबह उठते हैं और पहले 10 रुपए लाते हैं, 10 रुपए लाके पहले मैगी लाते हैं, मैगी लाके फिर बढ़िया खा दा के फिर मोबाइल लेके बैठ के बढ़िया सो जाते हैं। और फिर दोस्तों के घर जाते हैं, टीवी देखते हैं, पार्टी करते हैं, बहुत कुछ, फिर खेलते भी है कैरम लूडो वो सब। मतलब मेरे कहने का मतलब कि उस दिन तो मतलब पढ़ाई तो भूल ही जाते होंगे, ऐसा लगता है कि आज बहुत आजादी हो गया और कुछ एंजॉय करते हैं, कुछ अलग करते हैं, पूरा पढ़ाई भूल जाओ। जी। तो कुछ कुछ खाना वाना कुछ बनाते हो और या खाली पूरा दिन गेम खेलने में निकाल देते हो या कुछ पार्टी वार्टी? खाते भी है। अच्छा, जैसे मैगी बनाते हैं, चाउमीन मोमो वगैरह वगैरह बनाते हैं। हां हां, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अब हम हर्ष से पूछेंगे। हर्ष, आप जब छुट्टी में क्या क्या करते हो घर पे बारिश के मौसम में? बारिश के मौसम तेज बोलो। बारिश के मौसम में मैं या हाँ बोलो, एबीसीडी सुनाओ। एबीसीडी सुनाते हो? नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं, जैसे बारिश के मौसम में क्या करते हो घर पे? नहीं, कुछ नहीं करते हो, खेलते भी नहीं हो, हैं? क्या करते हो? आज बुंदी के घर गया था। आप बहन के घर गए थे? बुंदी के घर। ओ अच्छा अच्छा, तो ये इनका कहना है कि ये कुछ नहीं करते, ये घर पे ही रहते हैं। और आपका नाम क्या है? रियांश। रियांश बताइए, आप जब छुट्टी जब आप घर पे रहते हो बारिश होती है तो आप क्या करते हो घर पे? कहीं में हाँ मैगी खाता हूँ। वाह वाह, मैगी खाते हो, अच्छा लगता है ना? कौन बना के देते हैं मैगी? देते हैं मम्मी। मम्मी बना के देती है? अच्छा, आपको कितना मिलता है मैगी खाने को? सारे हैं, सब खा जाते हो, मजा आता है बारिश के दिन। उस दिन आप पढ़ते हो? हाँ। पढ़ते भी हो? खेलते हो? नहीं, खेलते नहीं हो। अच्छा, तो ये छुट्टी के दिन पढ़ते हैं, कहते हैं खेलने नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ते होंगे, जरूर खेलते होंगे, अभी ये बोल नहीं रहे। तो और हमारे बीच हमारे एक एक फीमेल स्टूडेंट है जो कि
नैना, और नैना जो कि आप बताएंगे आपको कैसा लगता है जब आपको अचानक पता चले कि आज छुट्टी है, बारिश का मौसम है, तो वैसे उस दिन आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो? बहुत मजा आता है। और अगर खाने पीने की बात करें तो मम्मी से पहले बोलते चाय पकौड़े बनाओ। चाय पकौड़े, चाय की चुस्की लेना बहुत मजा आता है। और वैसे बारिश में और पकौड़े पकौड़े हो जाए और बहुत टेस्टी लगता है। और लगता है कुछ कुछ ड्राइंग वगैरह कुछ करें। हाँ, ड्राइंग। उसके बाद मुझे पता है कि आपको ड्राइंग बहुत शौक है। यस, अगर बारिश हो तो पहले हम नहाने के लिए भाग जाते हैं बारिश में। बारिश में नहाने जाते हो? हाँ, बारिश में, बारिश में एक दो घंटे आराम से नहा के उसके बाद नल में आके घर में आके नहाते हैं। उसके बाद फिर बैठ जाते हैं टीवी भी देखने के लिए। टीवी के बाद थोड़ा गेम्स खेल लेते हैं दीदी दीदी लोगों के साथ, थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं, बस यही। कुल मिलाकर बहुत एंजॉय करते हो, अचानक से पता चल जाए कि आज छुट्टी है, बहुत मजा आता है। तो ये देखिए नैना ने बताया कि उनको बहुत मजा आता है क्योंकि डेली का जो पढ़ाई डेली रूटीन से अचानक अगर पता चले कि आज छुट्टी है कुछ अलग करते हैं तो ऑटोमेटिक खुशी की लहर आ जाती है। तो अब हमारे बीच है सक्षम जो कि अब तक कैमरामैन का रोल निभा रहे थे। और सक्षम आप बताइए कि कैसा लगता है आपको जब अचानक पता चले कि आज छुट्टी है, बारिश का मौसम है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब जैसे बारिश का मौसम होता है, जब पता चलता है छुट्टी होता है। मैं तो जैसे सुबह क्या बोलते रात को जब मेरे को पता चलता है तो तब तो पूरा 12 बजे तक फिर फोन देखता हूँ। उसके बाद पूरा सुबह उठता हूँ 10 बजे, उठने के बाद मम्मी को बोलता हूँ मम्मी बारिश का मौसम है पकौड़े बना दो। जब मम्मी पकौड़े बनाती तब तो हाँ ऐसा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, इतना मजा आता है। बहुत बढ़िया। तो अब मैंने तो हमने सभी स्टूडेंट के बारे में जाना और कि उन लोग क्या करते कि वो क्या करते हैं बारिश के मौसम में। और एक और स्टूडेंट आई, हम इससे भी पूछेंगे और इनसे भी पूछेंगे। इनका नाम है श्वेता। श्वेता आप बताइए कि जब आपको पता चले कि आज बारिश का मौसम है, अचानक आपको पता चले कि आज तो छुट्टी है स्कूल की, तो ऐसे मोमेंट में कितनी खुशी मिलती है और आप क्या करते हो ऐसे दिन? मैं तो खाना खाने के लिए जा रही थी। क्या कहती हो? नहीं नहीं आप बताइए कि जैसे खुशी मिलती है ना, तो ऐसे दिन आप क्या करते हो? मतलब क्या खेलते हो, ड्राइंग करते हो, पकौड़े बनाते हो, क्या करते हो उस दिन? मैं बस फोन ही चलाती हूँ। फोन? ये सिर्फ फोन ही चलाती है स्कूल जैसे पता चलता है कि आज क्या कहते हैं छुट्टी है, अचानक पता चलता है, तो ये सिर्फ फोन ही चलाती है। तो हमने सभी का अपना अपना ओपिनियन लिया कि बारिश के मौसम में वो क्या करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको जब पता चले, अगर आप स्टूडेंट है तो आप हमें बताइए कि आपको पता चले कि अचानक से कि आज छुट्टी है, चाहे स्पेशली रेनी सीजन में बारिश के मौसम में, तो कितनी खुशी मिलती है आपको? अचानक कोई फिर नया प्लान करते हैं, दोस्तों के साथ मिल बांट के खेलते हैं, कुछ खाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे वीडियो बच्चों के साथ आपको कैसा लगा? थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज़।